अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा सारी फील्ड्स के बारे में कि कौन सा बच्चा किस फील्ड के बारे में जा सकता है और किस में किस टाइप का वर्क होगा। ठीक है, पहले तो आपको ये सारी बातें जब आप टेस्ट पास कर लेंगे ना, उसके बाद ओरिएंटेशन क्लासेज होंगी वहाँ पर और आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। मतलब एक एक घंटे की ओरिएंटेशन क्लास होगी हर फील्ड के बारे में और उस चीज़ फील्ड के जो टीचर्स होंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सपोज अगर वो यूआई यूएक्स के हैं तो यूआई यूएक्स के बारे में टीचर आएंगे और पूरा बताएंगे कि उसके यूआई यूएक्स एक्जैक्टली है क्या, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कितने ऐसा में पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स करेंगे हम लोग, उसका मार्केट स्कोप क्या है, जॉब्स किस तरह मिलती हैं, किस तरह की जॉब्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हर फील्ड का जो आएंगे टीचर वो सबको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको चांस मिलेगा कि आप अगेन अपने प्रायोरिटी लिस्ट बताएं उन्हें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी भी फॉर्म में अंदर एप्लीकेशन के अंदर पूछी हुई तो मैं सबको एक डिटेल नहीं बता सकता। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, सिर्फ कौन सी चीज़ किसके लिए हो सकती है और किस चीज़ में क्या चीज़ होगी सिर्फ इतना बता सकता हूँ। बाकी डिटेल के लिए यूट्यूब गूगल पर भरा पड़ा हुआ है, अगर आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, पहले आते हैं यूआई यूएक्स के ऊपर। देखिए, जो बच्चा ग्राफिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, आर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्टेड है, क्रिएटिव थिंकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है और टेक्निकल चीज़ों की तरफ, टेक्निकल बाय मीन के कोई मैथमेटिकल चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता, तो फिर उसके लिए यूआई यूएक्स डिज़ाइन बहुत अच्छी है। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कि इसके लिए ही अप्रोच करती हैं क्योंकि वो डिज़ाइन, और जो जिनका इंजीनियरिंग से मैथमेटिक्स से ताल्लुक नहीं होता वो इस फील्ड की तरफ होते हैं क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई मैथमेटिकल या इंजीनियरिंग टाइप कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, डिज़ाइन क्रिएटिवनेस है, आपने नई नई चीज़ें, नए वेबसाइट के लुक्स वगैरह बनाए, तो यूआई यूएक्स डिज़ाइन का जो सर्कल है वैसे तो बहुत बड़ा है। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से लेकर हर जगह यूज़ होती है। ठीक है, अगेन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो फिर उसके लिए तो घंटों चाहिए से मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, यूआई यूएक्स को डिफाइन करने के लिए मुझे 15-20 मिनट तक एटलीस्ट रिक्वायर्ड है, तो यूट्यूब गूगल भरे पड़े हैं। तो बहरहाल दूसरी चीज़ हम आते हैं डेटा साइंस के ऊपर आते हैं। तो डेटा साइंस के अंदर आप समझते हैं कि अगर आपका मैथमेटिक्स से कोई पुराना रिश्ता है, कोई बहुत प्यार है आपको मैथमेटिक्स से, तो फिर आप डेटा साइंस की तरफ जाएं। यहाँ पर टोटली एनालिसिस होगी, डेटा होगा, बस मैथमेटिक्स होगी, स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ज़्यादा जॉब्स इसके अंदर हैं, लेकिन आपका मैथ के साथ मोहब्बत होनी चाहिए बस इस फील्ड के लिए, ये बात आप लाजमी रखिएगा याद। फिर आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन आप समझ लें कि ये कोर प्रोग्रामिंग की फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स हैं। तो इसके लिए अगर आपका कंप्यूटर का और प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है तो बेटर है, लेकिन या फिर अगर नहीं भी है तो कम से कम आपको अच्छा लगना चाहिए, ये प्रोग्रामिंग से थोड़ी बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको नोहा होनी चाहिए, तो ही इस फील्ड में आप ज़्यादा बेटर कर सकोगे। नहीं भी है फिर मैंने आपको कहा कि फिर आपको होना चाहिए कि मेरा मैथमेटिकल लॉजिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो तब आप जाएँ। डेटा साइंस में तो इन डेप्थ मैथमेटिक्स होगी, इसके अंदर इन डेप्थ मैथमेटिक्स नहीं होगी लेकिन लॉजिकल चीज़ें होंगी, तो कम से कम मैथमेटिक्स का रिलेशन अच्छा खासा होगा। तो अगर आपको टेक्निकल चीज़ों में, इंजीनियरिंग चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ब्लॉकचेन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ फॉर यू। जहाँ तक गेम डेवलपमेंट की बात है तो गेम डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग भी होगी और 3D मॉडलिंग भी होगी, ये यूनिटी पे इंशाल्लाह काम करवाएंगे गेम डेवलपमेंट के अंदर, तो ये एक मिक्सचर है आप समझ लें कि 3D मॉडलिंग का और प्रोग्रामिंग का। तो अभी तक तो मैंने करिकुलम में से देखा नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा कोई रिवील नहीं किया, लेकिन गेम डेवलपमेंट इस तरह की चीज़ होगी। बाकी इन डेप्थ में आप गूगल और यूट्यूब देख सकते हैं। इसके अलावा है वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट वैसे तो AIC करवाती है, पिछले 2 बैचेज़ के अंदर तकरीबन 4 से 5 बैचेज़ हैं इनके जो चल रहे हैं। मसला ये कि क्योंकि ऑलरेडी ये 4 से 5 बैचेज़ में डील कर रहे हैं तो इस बार वो थर्ड कोहॉर्ट के लिए इरादा नहीं रखते कि वो वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाएं, वरना ये एक वो बंदा जो कि थोड़ा सा टेक्निकल और इंजीनियरिंग की साइड जाना चाहता है और वो बिल्कुल नया है, तो उसके लिए एज अ फर्स्ट स्टेप ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि ब्लॉकचेन क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ी सी इनडेप्थ हो जाती है, लेकिन क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, तो इस वजह से वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट एज अ फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त नहीं है। तो अगर वो बच्चे जो कि इनडेप्थ इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल चीज़ों में थोड़े से इंटरेस्टेड हैं तो वो ब्लॉकचेन या क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ ही जाएंगे कोहोर्ट 3 के लिए, क्योंकि वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। और जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से प्यार रखता है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है, थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का है बैकग्राउंड, तो डेटा साइंस इज़ फॉर यू। एंड देन जो ग्राफिक्स, आर्ट्स, क्रिएटिवनेस इन चीज़ों में है तो फिर UI UX इज़ फॉर यू।